अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सुनवाई दो महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। जब अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पीछे कोई प्रमाण नहीं है, ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो ईडी जो पिछले दो साल से इस केस की जांच कर रही है, वो ईडी जिसने सैकड़ों अफसर इस केस की जांच में लगाए हुए हैं, जो हजारों जगह रेड कर चुकी है, वो ईडी जो बार बार कोर्ट में आके कहती है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए, संजय सिंह को बेल नहीं मिलनी चाहिए, विजय नायर को बेल नहीं मिलनी चाहिए, आज उस ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और हाईकोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आज ईडी ने कोर्ट से समय मांगा जवाब देने के लिए। अब ईडी वापस जाएगी, अपनी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाएगी, कुछ गवाहों पे दबाव बनाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दे, ईडी कोई भी झूठी सच्ची बात कोर्ट के सामने ला सके। तो आज ये पूरे देश ने देख लिया कि जो ईडी दो साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और दिल्ली हाईकोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। द कोर्ट इज फर्दर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रेजेंट पिटिशन रेजेस सेवरल इश्यूज ऑफ लीगैलिटी एंड वैलिडिटी रिगार्डिंग द अरेस्ट एंड रिमांड ऑफ द पिटिशनर मिस्टर अरविंद केजरीवाल। एडिशनली वी क्वेश्चन वेदर द अरेस्ट मे बी पोलिटिकली मोटिवेटेड एंड मैलाफाइड। कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है उस पर सवाल है, उसकी लीगैलिटी पर सवाल है, उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया है जिसमें उनको अपना जवाब दर्ज करना है। 2 तारीख तक उन्हें अपना जवाब दर्ज करना होगा और हाईकोर्ट ने कहा है कि वो 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाएगा और ईडी को 2 तारीख के बाद समय नहीं मिलेगा।